जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आरती रावत, मेरा गांव है रुद्रप्रयाग जिले के खूबसूरत गांव पाली सिमली से। तो अभी आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है खेत से, तो आप सभी का स्वागत भी है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत इन नज़ारों में। तो अभी मैं आ रखी हूँ खेत में, तो मेरे हाथ में देख सकते हैं ये है बीज जिसको कि मैं यहाँ पर बूतूँगी। और यहाँ पे हमने हल नहीं चलाया है, इतना बड़ा खेत था और खुदा से इसकी खुदाई की है। पहले वाली वीडियो में भी दिखाया था मैंने, आजकल खेतों का ही काम चल रहा है। तो बीज को बोती हूँ पहले और उसके बाद फटाफट से करते हैं खुदाई, क्योंकि बारिश के आने की संभावना भी है। तो इस तरह से हम नीचे वाली साइड को तोड़ बोत लेंगे पहले ऐसे। तो दोस्तों अभी पूरे खेत में मैंने बीज बोत लिया है और बारिश भी आने वाली है, देख सकते हैं। काम करने में पता ही नहीं चल रहा है कितनी गर्मी लग रही है, पसीने की बूंदें सीधा यहाँ से और मिट्टी को सींच रही है मेरी ये बूंदें। तो ज़रूर मेरी मेहनत रंग लाएगी भाई, मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। लोग उनके बैल हल चला रहे हैं लेकिन मैं कुदाल से पूरे खेत की खुदाई कर रही हूँ। तो मेरा मेहनत का फल देखना, आप लोगों को भी मैं ज़रूर दिखाऊंगी कैसी दाल होगी बल इस खेत में, है ना। तो चलती हूँ आगे, ऊपर में भी है एक खेत। दोस्तों आज हम दोनों देवरानी जेठानियों ने इतना बड़ा खेत हल चला लिया है। टाइम हो रहा है 8 बज चुकी हैं और इतना बड़ा खेत हमने लगा दिया है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है ये। और ऊपर वाली साइड तो कुदाल से दाल बोती थी थोड़ा थोड़ा, जिसको कि खुआमा बोलते हैं, बस ये ही बचा हुआ है। आज हमने जंग जीत ली है। वे देखो इतना बड़ा खेत लगा लिया है और हल ये है और बैल ये है। बैल ये है, हाँ। और एक बैल मैं हूँ, हीरा और मोती, और ये हमारे मालिक हैं हल चलाने वाले। इतनी लठी मारा ना, क्या बोला है। और फिलहाल यहाँ पे रोटी आ गई है, तो रोटियों का आनंद लेते हैं। रखो दीदी जी, अब रखते हैं रोटी। चलो बे, आओ आओ हल बोल दो, बांट रहा है रोटी को देना था आपने। बोल दो को गुड़ भी लाना था नहीं। वैसे तो एक एक गिंदड़े इन्होंने हमारे लिए गुड़ के भी लाने थे। कुदाल से इतना बड़ा खेत नहीं हो पाता भाई, तो दीदी आई मदद करने के लिए खेत में। दीदी ने बोला चलो दोनों लगते हैं, अगर हिम्मत रखो तो कुछ भी काम असंभव नहीं होता है। भूली कुदाल से मत करो, इतना बड़ा खेत है। वैसे भी बहुत मतलब बहुत खेतों की खुदाई मैंने हाथ से कर ली थी, तो दीदी ने बोला नहीं चलो आज इस खेत को हम देखते हैं, हम बनते हैं बैल, बेटा चलाएगा हल। तो दीदी यहाँ पे परोस रही हैं रोटी, पत्ता गोभी तो और आलू की सब्जी, है ना। खेतों में रोटी खाने का आनंद ही कुछ और होता है। और बाकी अब धूप होने वाली है, पर हमने उस वाली साइड से पहले हल चलाया क्योंकि वहाँ धूप आ गई है और यहाँ पे है छाया। तो रोटी खाने के बाद हमारे लिए 2 मिनट का काम है ये। तो रोटी खाते हैं सबसे पहले। ये देखो आज का मौसम बहुत अच्छा है भाई, प्यारी सी धूप खिली हुई है और मौसम ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है। तो अभी रोटी खाना शुरू कर दिया है। तो कोदे की रोटी, ये बासी रोटी है कोदे की, तो इसको मैं खा रही हूँ। 2 ही रोटी बची हुई थी, तो एक आयुष ने ले ली, एक मैंने, बाकी दीदी और पीयूष के लिए नहीं बची भाई, है ना। अच्छी बना रखी है सब्जी, बहुत अच्छी हो रही है। धन्यवाद यार दीदी। तो खाते हैं हम भी कोदे की रोटी, वाह आप भी खाओ। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने रोटी भी खा ली है और लगते हैं भाई अपनी ड्यूटी पे, है ना दीदी। हमें लगते हैं तब धूप हो जाएगी, थोड़ा सा रह गया है। अब हमारा हल्दिया आएगा आगे से। चलो दिखाई दे रहे हैं आपको दोनों बैल भी, हल्दिया साहब भी। तो देखो
चल रहा है हल, इतना अच्छा हल चलाया है हमने। देखो तारीफ जरूर करना भाई, कमेंट में जरूर लिखना कि आप लोगों को हमारा इस तरह से काम करना कैसा लगा। बोर्ड तो जब ना लास्ट में आ जाते हैं तो जो हल चलाता है वो बैलों को बोलता है बोर्ड, लेकिन हम खुद ही बोल रहे हैं बोर्ड बेटा। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये हल चलाया हुआ यहाँ चला रहे हैं अभी। खेत बहुत बड़ा है ना, खेत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। पर हंसते हंसते बैलों ने काम कर लिया नहीं। बोर्ड बोर्ड भी बोल, बोर्ड भी बोल दो ने। आज तक इंसान हंसते थे, आज बैल भी हंस, आज बैल आज बैल भी हंस रहे हैं। हीरा मैल हीरा मोती बैलों की जोड़ी रोती हुई अच्छी नहीं लगती है भाई, हंसती हुई। संघर्ष करना ही जीवन है ना। एक गीत हो जाए यार दीदी, हल चलाते चलाते। हे पाड़े की नारी हिकमत नहारी, विपदा त्वेक भारी हिकमत नहारी। हे पाड़े की नारी हिकमत नहारी, विपदा त्वेक भारी हिकमत नहारी। तो दोस्तों हम पहाड़ की नारी हैं, हमें कभी भी हिम्मत हौसला नहीं हारना चाहिए कि ये काम असंभव है। असंभव काम को भी संभव बना देते हैं हिम्मत और हौसला। तो किसी भी कार्य को करने में आदमी छोटा नहीं होता है। जैसे कि हम हल चला रहे हैं तो कोई लोग बोलेंगे कि अब ये बैलों का काम भी ये महिलाएं खुद करने लग गई है ना, पर हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं ना। क्या हुआ तो हम भी मेहनत करेंगे तो ये धरती माँ भी ज़रूर हमें फल देगी है ना। कल जब ना मैं वो कर रही थी, खुदाई कर रही थी, मेरी पसीने की बूंद धरती माँ में गिर रही थी, सच में पसीना छिगनी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मिट्टी को सींच रही होगी मेरी पसीना ना, तो नाच भी अच्छा होगा भाई, मेहनत की कमाई ना। वही तो आसाम को देखो तो भाटी बारिश आ गई, सीधा बारिश ही आई। और देखो भगवान ने हमारी सुन ली क्या, तो मन की नहीं सुन रहे, इंसान नहीं सुनते हैं। कोई बात नहीं, अब तो थोड़ा सा है, थोड़ा सा है, फिर हमने जंग जीत ली। तो अभी लगभग टाइम भी हो गया है 9 बजे का, और हम लोग भी आ चुके हैं खेत से घर की ओर। तो यहाँ पे प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं, और दीदी भी फूलों के साथ बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है, गुड़हल का फूल ना। तो अब यहाँ पे जूस जूस पीते हैं, थोड़ा एनर्जी, कमर कमर जूस पीते हैं, जूस का मजा लेते हैं, जूस का मजा लेते हैं अब है ना। इतना बड़ा काम करके आए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अब यात्रा जाएंगे जाएंगे है ना। बहुत बहुत धन्यवाद यार दीदी अपनी बहन का दुख समझने के लिए। तो दीदी भी ले रही हैं जूस का आनंद, कैसा हो रहा था? बहुत अच्छा, बढ़िया हो रहा नहीं? आजकल कमजोर हो गई है मुखड़ी, छोटी हो गई आपकी। अरे यार क्या करना था ना, सभी काम करना पड़ता है। मैं तो पाता था मैं तो पाता ना, घर गृहस्थ काम पाता था मैं तो।